हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बेसिकली आपको 12th केमिस्ट्री के कटायंस बताने वाला हूं, जो कि जीरो ग्रुप एनालिसिस बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जीरो ग्रुप एनालिसिस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि हम ग्रुप कैसे फाइंड आउट करें, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ग्रुप से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ग्रुप इन द सेंस ऑफ मीन्स कि जीरो ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो क्या क्या प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं और कैसे कैसे हमें रिजल्ट मिलते हैं, और ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट रहेगा, ग्रुप सेकेंड प्रेजेंट रहेगा, तो सारे के मैं ग्रुप एनालिसिस आपको कराने वाला हूं और ये बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा, आपको ये पूरा समझ में आएगा। दूसरी चीज ये है कि इसको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स प्रेजेंट है 11th और 12th के, आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि ये आपके लिए ही बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो चलो मैं ग्रुप एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं और आज मैं जो पहला ग्रुप यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज जीरो ग्रुप एनालिसिस। क्या है वो जीरो ग्रुप एनालिसिस? और जनरली सी बात है कि अगर मैं जीरो ग्रुप एनालिसिस की बात करता हूं यहां पर तो आपको पता होगा कि अमोनियम सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है इसमें? अमोनियम सॉल्ट। तो चलो अगर मैं दिखाता हूं, जैसे कि ये मेरे पास एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट में ऑलरेडी अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसको दिखाता हूं कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि सर ग्रुप डिटेक्शन हो नहीं पाता है हमसे, तो चलो मैं इसको करके दिखाता हूं। तो मैं जो आपको पहला सॉल्ट बताने वाला हूं वो है जीरो ग्रुप एनालिसिस, दैट इज NH4+ का। ठीक है, सो आपको क्या करना होता है, आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, मैं यहां पे टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, तो OS के लिए आपको थोड़ा सा सॉल्ट लेना है। ठीक है, और उसी सॉल्ट में आपको क्या करना है, इसको वाटर में आपको डिसॉल्व कर देना है, इस सॉल्ट को आपको क्या कर देना है, मैक्सिमम वाटर में डिसॉल्व कर देना है। जैसे आप सॉल्ट को इस मैक्सिमम वाटर में डिसॉल्व कर दोगे थोड़े से सॉल्ट को, तो आपका ये OS बन के यहाँ पे क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, ये आपका OS सॉल्यूशन है। आपको OS बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको सॉल्ट लेना होता है थोड़ा सा, और लगभग थोड़े अमाउंट में क्या करना होता है, इसमें वाटर डालना होता है। तो आपका जो पहला टेस्ट क्या करना है, आपको थोड़ा सा OS लेना है, आपने OS प्रिपेयर कर दिया, आपको थोड़ा सा OS लेना है और उसमें आपको ऐड करना है डायल्यूट NaOH और उसको हीट करना है, तो या तो उसमें स्मेल आएगी अमोनिया की। ठीक है, और या फिर मैं एक टेस्ट आपको बताता हूँ, आप टर्मरिक पेपर की हेल्प से भी उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास OS है और आपको क्या करना था, थोड़ा सा इसमें OS लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या लेना है, OS लेना है और इसमें आपको क्या डालना है, डायल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास डायल्यूट NaOH है, मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, इसमें क्या ऐड करूंगा, डायल्यूट NaOH। ठीक है, एंड आफ्टर डायल्यूट NaOH ऐड करने के बाद आपको इसको क्या करना है, हीट करना है, और हीट करोगे तो या तो इसमें अमोनिया की स्मेल आए, और या फिर इसके ऊपर टर्मरिक पेपर रखोगे और वो टर्मरिक पेपर अगर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका NH4 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। सो चलो मैं इसको हीट करके फटाफट दिखाता हूँ। इसको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे हीट करना है, और आप जब इसको हीट करेंगे तो इसमें अमोनिया का स्मेल जनरेट होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो स्मेल है ये अमोनिया का है, लेकिन अगर अगर आपको नहीं पता चल रहा है स्मेल अमोनिया का है नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर टर्मरिक पेपर रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसके ऊपर टर्मरिक पेपर रखूंगा, अगर ये टर्मरिक पेपर ब्राउन हो जाता तो यहाँ पे अमोनिया क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा, ये टर्मरिक पेपर यहाँ पे पूरा ब्राउन हो चुका है, देख रहे हैं, ये टर्मरिक पेपर क्या हो गया, पूरा ब्राउन हो चुका है, मतलब जहाँ तक ये अमोनिया की गैस जा रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जहां तक इस अमोनिया की गैस जा रही है, टर्मरिक पेपर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ब्राउन हो जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इसमें NH4 ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप। तो यही हमें, इसी से हमें पता चलता है, या तो आप स्मेल करके पता करो दैट इज अमोनिया, या फिर आप इस टर्मरिक पेपर को उस पर रखे, अगर ये ब्राउन में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NH4 क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको एक दूसरा टेस्ट भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिर वापस से OS लेना है। ठीक है, और इसमें आपको ऐड करना है क्या, डायल्यूट HCl अगेन, सॉरी डायल्यूट NaOH अगेन ऐड करना है, और इसको हीट करना है, और इसके माउथ पे ना एक ग्लास रोड लेके जाना है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ना डीप रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, और उसको बाद में हीटिंग करनी रहेगी। ठीक है, मैंने इसमें डायल्यूट HCl सॉरी डायल्यूट NaOH ऐड कर दिया है। अब ये है मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये क्या है मेरे पास, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एंड क्या होगा कि इसको हीट करने के बाद आप जैसे ग्लास रोड को इसके माउथ पे लेके जाएंगे तो इसमें NaCl का ना एक डेंस फ्यूम जनरेट होगा, वो हम करके देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, हीट करना है, और हीट करने के बाद ये है मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसमें ग्लास रोड को मैं डीप करूंगा और इसके माउथ पे लेके जाऊंगा, अगर बहुत सारा डेंस फ्यूम जनरेट होता है तो आपका क्या हो जाएगा, NH4 कन्फर्म हो जाएगा। मैं इसको ओपन करके रेडी रखता हूँ और इसको यहाँ पे पहले हीट करता हूँ। ठीक है, इसको हीट करता हूँ और इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl में क्या करूंगा, मैं डीप करूंगा, इसको माउथ पे रखता हूँ। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्यूम जनरेट हो रहा है, डेंस फ्यूम, वाइट डेंस फ्यूम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे NH4 के फ्यूम्स क्या हो रहे हैं, बहुत तेज निकल रहे हैं।
डेंस, ये व्हाइट डेंस फ्यूम हमें ये बताता है कि इसमें NH4Cl क्या प्रेजेंट है, दैट इज अमोनियम, दैट इज NH4+, ठीक है। तो अब हम फटाफट सिटी कर देते हैं आपको। तो ये आपको पता है, ये हमारे पास OS है, और OS में आपको ऐड करना नेशनल रिएजेंट, आपका ये सिटी है। अब जैसे नेशनल रिएजेंट इसमें ऐड करते हो, अगर आपको ब्राउन पीपीटी मिलती है, पीपीटी मतलब जो सबसे नीचे बैठ जाता है उसको प्रेसिपिटेट या फिर पीपीटी के नाम से जानते हैं। सो अगर आपको ब्राउन पीपीटी मिलती है तो आपका क्या हो जाएगा, NH4+ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो चलो मैं टेस्ट आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे है नेशनल रिएजेंट, ठीक है। अभी मैं इसी नेशनल रिएजेंट को इसमें पुट करूंगा और देखूंगा कि क्या ये फॉर्म हो रहा है क्या, नीचे ब्राउन पीपीटी फॉर्म हो रही है क्या। फ्रेंड्स आपको ये ब्राउन पीपीटी यहाँ पे बनते हुए, क्या नेशनल रीजेंट आपको एक्सेस में डालना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्राउन पीपीटी यहाँ पे क्या होता है, बनना स्टार्ट होता है। सो यही इसका फॉर्मूला है कि अगर आप नेशनल रिएजेंट इसमें ऐड करते हो तो इसमें NH4 क्या हो जाता है, आपका कंफर्म है। मैंने ग्रुप एनालिसिस आपको जीरो ग्रुप के लिए बता दी कि जीरो ग्रुप एनालिसिस आपको कैसे कर रहे हैं, आपको NH4 कैसे प्रेजेंट लाना है, ठीक है। सो दिस इज योर जीरो ग्रुप एनालिसिस। तो आपको अगर ऐसे सारे ग्रुप एनालिसिस के बारे में वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।